सभी जो हमारे डेलीगेट्स मणिपुर जाकर आए हैं, उन्होंने वहां की हालत देख ली है। जो आंखें देखे हालत, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम बताना चाहते हैं। और हमारे 21 मेंबर का डेलीगेशन प्लस और जो फ्लोर लीडर्स जो यहाँ पर उपस्थित है, वो भी हम सभी मिलके उनको अवगत कराएंगे। ये सिचुएशन बड़ा बहुत वहाँ पर गंभीर है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश करने की बात कही जाती है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला नोटिस भी जारी कर देते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है, बस अब इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा की बात कही जाए तो आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन नहीं हो पाती है। अब ये तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। कहा जाता है कि अब 8 अगस्त पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लोकसभा से लेकर राज्यसभा में चर्चा होगी। लेकिन जो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है वो है इस्तीफे की मांग। पूरे देश भर में एक आवाज उठ रही है, देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अविश्वास प्रस्ताव भी इसी वजह से लाया जा रहा है कि मणिपुर में जो घटना देखी गई है, उस घटना के बिना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की बात कही जा रही है, लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन जब राज्यसभा में ये कार्यवाही होती है तो सीधे तौर पर जगदीप धनखड़ को मालूम है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया तो मोदी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मणिपुर की घटना एक ऐसी घटना है जिस पर देश पूरा यहां पर शर्मसार दिखाई दे रहा है, देश भर में गुस्सा दिखाई दे रहा है। और यह गुस्सा यहां पर साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि जो मामला उठा है ये देश के प्रधानमंत्री के हाथों पर सौंपना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर पहुंचना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है तभी अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर आते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी पास होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ भी आना चाहिए, क्योंकि संसद की कार्यवाही स्थगित करने का, विपक्ष जब बोलता है माइक बंद करने का काम यहां पर जगदीप धनखड़ करते हुए नजर आते हैं। यहां पर यह कहा जाता है कि मणिपुर मामले पर चर्चा कर लीजिए। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार संसद में मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जगदीप धनखड़ को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में, जो वहां एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए, वो खुद ही आँखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए। और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज़्यादा घर जलाए गए, 5,000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, तो और 60,000 लोग
वो रिहैबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस बाद में की। तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए, और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, और वो आज लेना था लेकिन ये आखिरी में रख कर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 दो दिन इसका बहस चले, फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस अर्जन हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीज़ों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे, ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। ये आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, दो मिनट में मेरा माइक बंद, दो मिनट नहीं दो सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहाँ पर बताए, जो वहाँ पर सरकारी मुझे कहाँ से वहाँ पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहाँ पर हजारों वेपन्स आ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैथी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहाँ पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए अब तक वहाँ नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजर्नमेंट मोशन,
ये हमेशा पहले देते गए हैं। हमारे पास, मैं पढ़ के बता सकता हूँ लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूँगा, 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है। इवन एडजर्नमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक। दूसरी चीज़, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आँखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके अंदर है, वहाँ पर इतनी गड़बड़ी चल रहे, लोगों को जाके मार रहे हैं, ये कहाँ का रोल है? अरे दिल्ली से नज़दीक राज्य में भी ऐसा होता है तो वो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लेते, और ये दूर की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम इस सारी चीज़ों को वहाँ पर बताएं, चाहे हरियाणा का हो, और मणिपुर का मुद्दा तो 92 डे से हम उठा रहे हैं वो भी है, तो इतना सारी चीज़ें हम बताएं, बताने के बाद वो देखने का या सुनने का उन्होंने भी काम किया और वो बोले कि मेमोरेंडम हम भेजेंगे, इतना कहते हुए मैं अपने सांसद को सुना। जैसे कि आपने जगदीप धनखड़ को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लागू हो, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अविश्वास प्रस्ताव को लागू करें, क्योंकि महिला होने के नाते और एक सर्वश्रेष्ठ पद पर होने के नाते यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाए। यहाँ पर अगर देश की सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराई जाती है, सीधे तौर पर उन पर जो एक सवाल खड़े किए जाते हैं उस पर चुप्पी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तोड़नी चाहिए। इस सुनने के बाद सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लागू यहां पर जगदीप धनखड़ के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लागू होना चाहिए और यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरना चाहिए और स्पीकर के पद से यहां पर जगदीप धनखड़ को हटाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।